नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। हम बात करेंगे पहले चरण के नामांकन समाप्त होने के बाद की क्या स्थिति है, कैसे क्या कुछ चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गाँव में सियासत तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब गाँव में चुनावी रणनीति तेज हो गई है। बता दें कि पहले और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। सोमवार को पहले चरण का नाम वापसी की तारीख समाप्त हो गई। ऐसे में इस दिन लोगों को सिंबल का भी बंटवारा किया जाना है। जमुई जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से दुलारी देवी अकेली उम्मीदवार हैं। नाम वापसी के दिन 5 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। इधर पंचायत चुनाव को लेकर तारापुर प्रखंड अंतर्गत आने वाले प्रभरा पंचायत क्षेत्र संख्या 7 से पंचायत समिति के लिए खड़े उम्मीदवार अश्विनी राज उर्फ पीकू मेहता के विरुद्ध किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन ही नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप वोटिंग से पहले ही पीकू मेहता निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं। बता दें कि आगामी 24 सितंबर को पहले फेज के लिए होने वाले पंचायत चुनाव से पहले ही निर्वाचित होने की बात कही जा रही है। इस दौरान पंचायत समिति उम्मीदवार अश्विनी राज उर्फ पीकू मेहता ने कहा कि मेरी नहीं जनता की जीत है। पीकू मेहता के समर्थक इसके बेहद खुश हैं और एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर जश्न मना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जमुई के जिला परिषद उम्मीदवार दुलारी देवी के बारे में। जमुई जिला के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 सिकंदरा पूर्वी से दुलारी देवी निर्विरोध निर्वाचित हो सकती है। बता दें कि सोमवार को नामांकन के नाम वापस लेने के आखिरी दिन था। दुलारी देवी को छोड़कर इस पद के लिए नामांकन किए सभी प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। अब इस हिसाब से दुलारी देवी निर्विरोध निर्वाचित मानी जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सिकंदरा पूर्वी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से दुलारी देवी का निर्विरोध निर्वाचित होना माना जा रहा है। सोमवार को नाम वापसी के दिन पति गुड्डू यादव सहित 5 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पर्चा वापस लिए जाने के बाद से यह संजोग बन पाया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह जमुई के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई उम्मीदवार इस तरह से निर्विरोध तरीके से जीत दर्ज कर सकती है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि चेयरमैन की कुर्सी पर दुलारी देवी की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी चेयरमैन की कुर्सी के लिए दुलारी देवी के पति गुड्डू यादव ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन वे वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि उन्हें चेयरमैन की कुर्सी मिल सकती है। बता दें कि दुलारी देवी पहले वह सिकंदरा पश्चिमी जिला परिषद 7 से पहली बार 2011 में चुनी गई थी, लेकिन वह सीट सुरक्षित होने के कारण उन्होंने 2016 में वह क्षेत्र बदल लिया और वह एक बड़ी जीत के साथ आगे आई। अब जब साल 2021 में चुनावी मैदान में उतरी तो निर्विरोध होने की बात जो है वह कही जा रही है। बता दें कि पहले चरण के नाम वापसी का दिन था और इस दिन 6 में से 5 लोगों ने नाम वापस ले लिया। नाम वापस लेने वालों में पति गुड्डू यादव, रंजन सिंह, मनोज सिंह, संजीव सिन्हा एवं सतीश धानू का नाम सामने आया है। तो हमने आपको बताया कि 2 ऐसे उम्मीदवार हैं, एक तो दुलारी देवी और वह दूसरा जो उम्मीदवार है वह है पीकू मेहता। ये दोनों उम्मीदवार जो हैं एक तरह से कह लें कि निर्विरोध जीतने की स्थिति में है, क्योंकि अभी तक एक तरह से कह लें कि फाइनल डिसीजन नहीं आया है पंचायत चुनाव को लेकर। तो ऐसे में हम उन्हें जीत घोषित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब उनके अगेंस्ट में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है। तो एक तरह से कह दें कि निर्विरोध जीत की ओर जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।